in cost of capital. Now we are going to take up a question on cost of debt capital, and it's an important one. और ये पूरे चैप्टर में ऐसा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जहां पर मैच्योरिटी वैल्यू जब ये रिडीम होंगे डिबेंचर्स तो वो प्रीमियम के ऊपर रिडीम होंगे, राइट। तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए पहले तो वी आर गोइंग टू ओपन अप पेज नंबर 28, एक बार ओपन करिएगा अपने अपने बुकलेट्स में एंड लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन को बता दें। श्री लिमिटेड इशूड 10,000 तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 8% डिबेंचर्स, 8% इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर्स का मतलब है लॉन्ग टर्म लोन्स, जिनके ऊपर जो लोन जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8% ऑफ रुपीज 100 ईच। जो डिबेंचर का फेस वैल्यू दिया हुआ है वो 100 रुपीज है ईच एट 4% डिस्काउंट। तो ये जो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं ये डिस्काउंट के ऊपर इशू किए जा रहे हैं, और डिस्काउंट कितना है 4% का। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है हमें। रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो इस डिबेंचर का जो नेचर है वो रिडीमेबल है। आपको बताया डिबेंचर्स के दो कैटेगरी होती है, एक तो रिडीमेबल और दूसरा इरिडीमेबल, राइट। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेबल और इरिडीमेबल का मतलब होता है नॉन रीपेबल। तो इरिडीमेबल और रिडीमेबल को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पहले भी बताया था कि अगर नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए होंगे कितने सालों के बाद आप रीपे कर देंगे तब तो वो रिडीमेबल हो जाएगा, और नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिए हुए होंगे और इरिडीमेबल या नॉन रीपेबल वर्ड आएगा तो वो इरिडीमेबल की कैटेगरी में माना जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो नंबर ऑफ इयर्स कितने दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में 10, राइट। तो आपको ध्यान रखना है दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑन पेज नंबर 28, और इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ इयर्स तो हमें दिए हुए हैं 10 ईयर्स। ये जो डिबेंचर है इसका नेचर है रिडीमेबल, तो आपको इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाना है वो रिडीमेबल वाला लगाएंगे। इसमें लिखा है था डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 इयर्स एट 5% प्रीमियम। जब आप इनको रिडीम करेंगे रीपे करेंगे 10 साल के बाद तो आप 5% का प्रीमियम देंगे, राइट। तो यहां पर जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी एमवी वो हो जाएगी 100 तो है ही है प्लस 5%, 100 रुपए का 5% क्या होता है 5 रुपए, तो 100 प्लस 5 जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी इस क्वेश्चन के अंदर 105। जनरली जो भी फेस वैल्यू होती है वो ही मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है इश्यू प्राइस जो है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस लाइन को अंडरलाइन करना जहां लिखा हुआ है डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 इयर्स एट 5% प्रीमियम। डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम पर, 100 रुपए के ऊपर 5% होता है 5 रुपए, तो इनको रिडीम मतलब रीपे करेंगे तो केवल 100 रुपए नहीं लौटाएंगे वापस, आप मैच्योरिटी पर 105 रुपए रिडीम करेंगे मतलब रीपे करेंगे। और आगे समझिएगा द कॉस्ट ऑफ इशू इज 2%। कॉस्ट ऑफ इशू का मतलब होता है फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट यहां पर 2% है, तो 2% ऑफ 100 मतलब क्या हो जाएगा ₹2, फ्लोटेशन कॉस्ट है 2 रुपए, राइट। और इसके अंदर दो तीन चीजें और हैं, 8% तो इससे इंटरेस्ट निकलेगा 8% ऑफ ₹100, तो ये आ जाएगा ₹8 का जो इंटरेस्ट है वो डिबेंचर्स के ऊपर मिलेगा। पहली लाइन में लिखा हुआ है श्री लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर्स एट 4% डिस्काउंट, यहां पर डिस्काउंट आ रहा है और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज 4%, तो 4% ऑफ ₹100, 100 रुपए जो फेस वैल्यू उसका 4% लिया तो कितना आ गया 4 रुपीज, तो हमारे पास यहाँ डिस्काउंट है 4% का मतलब 4 रुपए, फ्लोटेशन कॉस्ट है 2% मतलब 2 रुपए,
इंटरेस्ट है 8%, 100 रुपए का 8% क्या हो जाएगा 8 रुपीज। तो अब ये सारे अभी हमने सॉल्यूशन नहीं स्टार्ट किया, केवल क्वेश्चन में से हम देख रहे हैं क्या क्या हमें गिवन है। एक तो ये बात, ये रिडीमेबल है, नंबर ऑफ इयर्स है 10, मैच्योरिटी वैल्यू यहां पर जो आपको रिडीम करेंगे वो 5 रुपए प्रीमियम के ऊपर रिडीम करेंगे। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर रिडीम प्रीमियम के ऊपर कर रहे हैं, नहीं तो अक्सर नेट प्रोसीड्स निकाली जाती थी प्रीमियम के ऊपर, यहां पर रिडीम किया जा रहा है 5% प्रीमियम पर, तो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 105। अब हम निकालेंगे नेट प्रोसीड्स और लास्ट में बोल रहे हैं कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। हमें बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही निकालनी है, उसके लिए पहले हम नेट प्रोसीड्स और कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला क्या होता है, इश्यू प्राइस माइनस, अब आप ये ध्यान रखिएगा यहां पर जो नेट प्रोसीड्स निकल रही है वो पार पर नहीं है, डिस्काउंट के ऊपर है, डिस्काउंट के ऊपर ये इश्यू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट ये माइनस करेंगे आप, माइनस जो भी आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो इश्यू प्राइस है 100 रुपए, उसमें 4% का डिस्काउंट था मतलब 4 रुपीज, फ्लोटेशन कॉस्ट थी 2% मतलब 2 रुपीज, तो 100 माइनस 4 96 में से 2 गए, नेट प्रोसीड्स आ गई हमारे पास 94। तो नेट प्रोसीड्स के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा वो है डिस्काउंट के ऊपर, मतलब जो इश्यू हो रहा है वो तो हो रहा है डिस्काउंट पर, लेकिन जो रिडीम हो रहा है, राइट, रिडीम कर रहे हैं आप उनको, रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम पर, मतलब उनका पैसा लौटा रहे हैं 5% प्रीमियम यानी 5 रुपए के ऊपर, तो मैच्योरिटी वैल्यू में 105 रुपए आ जाएंगे, 100 रुपए जो इश्यू प्राइस थी और साथ ही साथ 5 रुपीज का प्रीमियम, तो आप इन्वेस्टर्स को 105 रीपे करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट केडी, ये सारी चीजें यूज करने के बाद, और केडी पहले निकालेंगे हम बिफोर टैक्स। फॉर्मूला वो आप सभी को याद हो गया होगा, उसका रिकैप हो जाता है आई प्लस एमवी माइनस एमपी अपॉन एन अपॉन एमवी प्लस एमपी बाय 2 × 100। इंटरेस्ट है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 8 रुपीज, मैच्योरिटी वैल्यू थी हमारे पास 105, राइट। नेट प्रोसीड्स निकल कर आया है 94 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स है 10, फिर एमवी प्लस एमवी बाय 2, मैच्योरिटी वैल्यू था 105, नेट प्रोसीड्स डिस्काउंट के ऊपर निकाला है हमने और वो था 94 अपॉन 2 × 100। नाउ यूज योर कैलकुलेटर्स, पहले तो 105 माइनस 94 कर दीजिएगा, यह आ जाएगा 11, राइट। 105 माइनस 94 इनको सॉल्व किया 11 को हाथ क्या 10 से डिवाइड कर देना, यह आ जाएगा 1.1। पूरा सॉल्व करके आ गया ये 8 प्लस 1.1 अपॉन 105 में 94 का टोटल कर दीजिएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो 105 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 99.5 × 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस 1.1 तो हो गया 9.1 डिवाइडेड बाय 99.5 × 100, सो दिस इज गोइंग टू बी 9.15%। तो हमारे पास केडी, केडी आ गई है बिफोर टैक्स और वो आ गई है 9.15%। नोट कर लीजिएगा और एक बार अपने आंसर को भी वेरीफाई कर लीजिए, केडी बिफोर टैक्स इसमें ये होगा 9.15%, और लास्ट लाइन में लिखा है आपको केडी आफ्टर टैक्स भी निकालना है, तो इसको भी समझ लीजिएगा फिर एक साथ नोट कर लेना। केडी आफ्टर टैक्स के लिए एक फॉर्मूला सिखाया है आपको, वो है केडी बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, टी टैक्स रेट, और क्वेश्चन में देखिए क्या कोई टैक्स रेट दे रखी है हमें,
ये भी हमें थर्ड लाइन में दी हुई है, द टैक्स रेट इज 30%, राइट, टैक्स रेट इज 30%। तो 30% अगर टैक्स रेट है तो 30% को लिखा कैसे जाएगा, 0.30, दिस इज द टैक्स रेट, 30% को लिखा जाएगा 0.30। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 9.15 × 1 − 0.30। तो अब आप जब सॉल्व करेंगे 0.30 को 1 में से माइनस करना, वो 0.7 आ जाएगा, 0.7 को 9.15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 9.15 × 0.7 ये आ जाएगा 6.405, मतलब राउंड ऑफ किया तो 6.41% विल बी द केडी आफ्टर टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स आई थी 9.15%, और जब हमने टैक्स रेट 30% को यूज किया, 30% बन गया 0.30, सॉल्व किया तो ये आ गई हमारे पास 6.41%। दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स, 6.41%।